ऊना से बड़ी खबर, ड्यूटी रजिस्टर में एडवांस अटेंडेंस का खुलासा हुआ है। अकाउंटेंट ने एक दिन पहले ही बना दी अगले दिन की हाजिरी। बीडीओ के निरीक्षण में खुली अकाउंटेंट के कारनामे की पोल। बड़ी खबर, बीडीओ ने नोटिस जारी कर अकाउंटेंट से जवाब मांगा है। मुझे हिना ब्लॉक में कार्यरत है अकाउंटेंट मनोज श्रीवास्तव। बीडीओ विकास मिश्रा ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गोंडा के मुजहेना ब्लॉक कार्यालय का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बीडीओ से इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। तो बीडीओ ने अकाउंटेंट से इस मामले को लेकर जवाब मांगा है कि आखिरकार एक दिन पहले ही दूसरे दिन की अटेंडेंस कैसे बना दी गई है। तो इस मामले को लेकर अकाउंटेंट ने एक दिन पहले ही बना दी अगले दिन की हाजिरी। इस मामले को लेकर अब जांच की जा रही है। बीडीओ विकास मिश्रा ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की गई। और जौनपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। धनंजय सिंह बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह। जेडीयू के टिकट पर मल्हनी से चुनाव भी लड़े थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बने हैं धनंजय सिंह। तो ये आपको प्रेस विज्ञप्ति दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें इस बात की जानकारी दी है कि धनंजय सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। और अब खबर है अलीगढ़ से। छेड़छाड़ से तंग छात्राएं, छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। जेएन मेडिकल कॉलेज की छात्राओं का प्रदर्शन बीसी लॉज के सामने। यहां पर छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। डिमांड पूरी ना होने तक प्रदर्शन होगा। छात्राओं के साथ 25 से ज्यादा हो चुकी है। तो छात्राओं के साथ कई बार छेड़छाड़ हो चुकी है, जिसको लेकर प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। बीसी लॉन्च के सामने ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। तो ये तस्वीरें जहां पर वीसी कार्यालय के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अलीगढ़ में छात्राएं छेड़छाड़ से तंग आकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वीसी लॉन्च के आगे ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है।